तो ये मेरे पीछे पाकिस्तान का गेट है, अभी जहाँ हमने सेरेमनी देखी है, फ्लैग डाउन सेरेमनी, ये सामने ही हो रही थी। और पीछे ये पाकिस्तान का गेट नज़र आ रहा होगा, और ये मेरे पीछे बाड़ लगा हुआ है, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया पीछे, और ये इंडिया का गेट ये सामने दिखाई दे रहा है। M-47 पैटर्न टैंक है ये, और ये है पूरा जो पीछे तक देखिए, ये बार की मेमोरियल है, जो सारागढ़ी के वीर हैं जिनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये इस गुरुद्वारे में लगी हुई है। जय शंकर की, बम बम बोले, जय शंकर की, बम बम बोले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज प्रदीप एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई, और इतनी लेट बधाई दे रहा हूँ क्योंकि 2020 मेरी फर्स्ट राइड है। दोस्तों, 2020 राइड में आप सभी का स्वागत है। हम आज जा रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर फिरोजपुर, जिसकी दूरी हमारे यहाँ से लगभग 420 प्लस किलोमीटर होगी। समय हुआ है इस समय लगभग 4:30 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं हो चुका हूँ लेट, मेरे फ्लैग ऑफ हो चुका है उनका, अब मुझे उनको कैचअप करना पड़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कैचअप कर लें, और ज़्यादा मैं फास्ट नहीं चलाऊंगा, रात का समय है और मौसम भी आज थोड़ा ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं महसूस हो रही है। हाईवे पे जाके पता चलेगा कि कितनी ठंड है नहीं है। तो आज जो हमारा मीटिंग पॉइंट था वो पीरागढ़ी का, लेकिन वहाँ से फ्लैग हो चुका है हमारे ग्रुप का, USB ग्रुप का, तो अभी हमने आगे कैचअप करना है। हमने जाना है रोहतक से, रोहतक हिसार, उसी रूट से जाएंगे हम फिरोजपुर पंजाब। फ्रेंड्स और मेरा ग्रुप फ्लैग ऑफ हो चुका है उनका, अब मुझे उनको कैचअप करना पड़ेगा। दोस्तों, हम पीरागढ़ी पहुंच चुके हैं, और यहां से हमारा ग्रुप जा चुका है, फ्लैग ऑफ हो चुका है, और जो रूट हमारा आज का है, जो पीरागढ़ी से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से रोहतक, और उसके आगे अपना फिरोजपुर की तरफ। तो हम कोशिश करेंगे अपने ग्रुप को कैचअप करने की जल्दी से जल्दी, लेकिन सेफ्टी के साथ, हम ज़्यादा तेज अपनी बाइक को नहीं भगाएंगे, रात का समय है। सबसे ज़्यादा हमें डर अपने जानवरों से लगता है, जो कि हाईवे पे घूमते रहते हैं, कभी भी आ जाते हैं आगे, उस समय बाइक बचाना बहुत मुश्किल है। वी आर रीच्ड इन बहादुरगढ़। आज फॉग नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही क्लियर है मौसम, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है आज। दोस्तों, हमने रोहतक को क्रॉस कर लिया है, और अभी हम हिसार वाले रूट पे हैं, और ये रोहतक क्रॉस करके फर्स्ट टोल आता है, तो उस पर अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हमारा ग्रुप होटल पैराडाइज हांसी वहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से मुझे 41 मिनट दिखा रहा है गूगल, तो चलते हैं। दोस्तों, अभी हम हांसी को क्रॉस कर रहे हैं, और ये पीछे था पैराडाइज होटल, और ये मेरे आगे जा रहा है हमारा ग्रुप। यहाँ पे हमने कैच कर लिया है अपने ग्रुप को, ये तीन बाइक जा रही है हमारी आगे आगे, और दो तीन गाड़ियाँ हैं और तीन बाइक हैं, टोटल हम चार बाइक हो गई है, और इसके बाद तीन चार कारें भी हैं। तो हादसे में आके हमने अपने ग्रुप को पकड़ लिया है, क्योंकि ये पैराडाइज होटल में एक ब्रेक लिया था हमारे ग्रुप ने हांसी में, जहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है एक वन आवर से, मोर देन वन आवर ये यहाँ पे रुके थे। दोस्तों, अभी हमने हिसार को क्रॉस कर दिया है, और हम टोल गेट को क्रॉस करके खड़े हैं, अभी हम चार बाइकर्स हैं, और दिन भी निकल चुका है। हमने अभी लगभग 125 या 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। चाय पी लें, नहीं तो बीच में एक बार ठंड बहुत होगी ना। 65 के बाद मारेंगे ब्रेक।
चार बाइकों में से तीन बाइकर लद्दाखी हैं। आपको लेके चलेंगे ना खिलाई, प्लीज लेके चलो। और वहाँ पे सनराइज हो रहा है। ऑल राइट, हमारी राइड शुरू हो चुकी है। बठिंडा में हमारा ब्रेकफास्ट का प्लान है अभी सभी का, और अभी भी हमें लगभग 290 मोर देन 292 किलोमीटर का सफ़र कवर करना है। समय दिखा रहा है गूगल 4 hours 30 minutes, लेकिन हमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे ब्रेक भी ज़्यादा होंगे। दोस्तों अभी हमने एक टी ब्रेक लिया है और यहाँ से लगभग अभी हमने और 250 किलोमीटर आगे जाना है, और इसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट का ब्रेक है वो बठिंडा में होगा। तो अभी हमने हाईवे छोड़ के एक स्टेट हाईवे बीच में लेना है, और ये पीछे टी स्टॉल जहाँ पे हमने चाय पी थी, और हमारे अभिषेक भाई जी हेलो। और ये हमारे आज चार राइडर जा रहे हैं। भाई का नाम आदित्य, आदित्य है, और ये मनोज भाई। हेलो रेनू जी, ये खतरनाक राइडर है। सही बात है, सही बात है। जनवरी की ठंड में कह रहा नहीं जी मैं बाइक पे जाऊंगी, मेरी हालत खराब कर रखी है। चलते हैं अभी। दोस्तों हमने पंजाब में एंटर कर लिया है। पीछे लगभग आधा किलोमीटर पहले पंजाब का साइन बोर्ड आ गया था, तो इस समय हम पंजाब में हैं, और बठिंडा यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है बठिंडा, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और वहाँ पे सभी हम मीट करेंगे। जैसे हमारी तीन गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, तो हम बाइक सारे मिलके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी हम मिलेंगे आपको बठिंडा, और ये है पंजाब, 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 दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। डेढ़ सौ नई वाली 160 है, इसका नया मॉडल आया है। हम तो 100 120। हाँ हाँ, नहीं नहीं वैसे ही जा रहे घूमने फिरोजपुर बॉर्डर। थैंक यू जी। ये केड़ी जगह है? अच्छा, बठिंडा किन्ने 28 किलोमीटर रहे। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल है जी? ये बजाज की है जी, डोमिनार बजाज दी है जी, इसके रेडिएटर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये 400 cc है। ब्रेक सूटा ब्रेक। भाई ने सूटा पीना है। सिद्धू कोच, डांस करो डांस, ये सड़क पे। यार आपने पेट्रोल क्यों डलाया? वैसे आप लोगों ने क्या घर से फुल कर नहीं चले थे क्या? फुल चले थे। तो फिर तो मेरा तो खत्म हो, मेरा एक रह गया था बस पॉइंट। आपको तो पता लगता है। ऑलराइट, वी आर एंटर्ड इन बठिंडा, और ये मेरी फर्स्ट विजिट है बठिंडे में। अभी जो हमारा प्लान है वो है ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पे ढाबे पे हम कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे फिरोजपुर की तरफ। लो जी, हम पहुंच चुके हैं श्री श्याम वैष्णो ढाबा। अब जाके मिल रहा हूँ। तो
ये आ तो आगे कैसे है हाँसी में तो साथ था, हाँसी में देखी इग्नि सी है ना तेरी, हाँसी में तो हम तो रुक रुक आ रहे हैं ना, फिर हमारी फोटो सेशन हो रहे थे ना। वेल गाइस, वी आर इन श्री श्याम वैष्णो ढाबा और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी पहुँच चुके हैं हम बठिंडा। क्या हाँ जी, नीचे बनाया नहीं, बनाया मेन्यू का वहाँ पे ब्लॉग आपने, वो देखा आपने सामान जो लगा हुआ सारा टेस्ट करने के लिए? नहीं, मैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं वैसे हम खाना ख़त्म करते हैं, एक सौंफ मिल जाएगी, एक गुड़ मिल जाएगा, मिश्री 13-14 आइटम में लाइन में लगा रखे डब्बे भर भर के जाते थे, वो जरूर करना, वो जरूर देखना। बढ़िया, क्या है बहुत कुछ पूरी बना रहे हैं, कभी टेस्ट करेंगे पूरी। हाँ ठीक है। ये हमारे अभिषेक भाई की बाइक का पंचर हो चुका है और अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकले ही थे कि देखा कि बाइक में हवा नहीं है तो पंचर निकली बाइक, तो पास में ही पंचर वाला मिल गया, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो अभी हम पंचर फिक्स करा रहे हैं। ये अभिषेक भाई की बाइक, तो इसके बाद हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन फिरोजपुर। दोस्तों, हम फिरोजपुर पहुंच चुके हैं जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसको फिरोज शाह तुगलक ने 14th सेंचुरी में बनाया था और ये सतलुज नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इस शहर ने 1965 के अलावा 1971 की बैटल को महसूस किया है, झेला है, जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी। और आज का जो हमारा प्लान है, हम जाएंगे हुस्ने वाला बॉर्डर, जो इंडो पाक बॉर्डर है, वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम होता है, जैसे कि बीटिंग रिट्रीव परेड होती है शाम को और सुबह, तो हम शाम को जाएंगे परेड देखने। इसके अलावा शहीद भगत सिंह पार्क जो मेमोरियल है उसके साथ में उसको भी देखेंगे, और एक 1893 समथिंग का अंग्रेजों के टाइम का रेलवे स्टेशन भी है उसको भी देखेंगे। और ये फिरोजपुर की मार्केट है, यहाँ से हम अब जा रहे हैं अपने होटल मिनी महल को। आज का हमारा स्टे मिनी महल में है और कल हम वापसी दिल्ली को जाएंगे, तो अब हम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उसने वाला बॉर्डर जो कि इंडो पार्क बॉर्डर है, वहाँ पे बीटिंग रिट्रीव देखेंगे और उसके बाद मेमोरियल पार्क जाएंगे जहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को। मिनी महल, वी आर रीच्ड इन होटल मिनी महल। अभी अपने रूम में जाके थोड़ा फ्रेश होएंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई जो आगे प्लानिंग है। अभी रूम देखते हैं अपना कहाँ है, रूम कहाँ, रूम कहाँ है ये? Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.